हमीरपुर में आज प्रमुख सचिव पेयजल आपूर्ति एवं नमामि गंगे ने जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्यास से बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के लिए हर घर योजना को अमलीजामा पहना कर तैयार है और जल्द ही हमीरपुर जिले के सभी गाँव में ग्रामीणों को नल से पीने का शुद्ध पानी मिलने लगेगा और इसी के तहत करीब 225 करोड़ रुपयों की लागत से हमीरपुर जिले के सुमेरपुर और मौदहा ब्लॉक के 148 गांव में पानी पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है। और शुरुआत में पतियोरा डंडा गांव में पानी पहुंचना शुरू हो गया है, जिसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज नमामि गंगे योजना के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने पतियोरा गाँव पहुँचे थे। प्रोजेक्ट यहाँ के लोकल लोगों के लिए मौदा और सुमेरपुर के 103 ग्राम पंचायत के 148 गांवों के लिए आज के डेट में 3,50,150 ग्रामीण लोग, जो जनसंख्या है, वो इससे लाभान्वित होगी। ये सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। बुंदेलखंड में जो पानी की कमी थी उसको हमारी सरकार ने, इसको हर घर को शुद्ध पेयजल देने के लिए और यहाँ के लोगों की पेयजल की समस्या दूर करने के लिए ये लागत का होता था। इस नमामि गंगे जो जल शक्ति जल जीवन मिशन है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप पूरे बुंदेलखंड में सभी गांवों में हर घर जल पानी जाता है। उसी के तहत ये भी आपके जिले में दो ही परियोजनाएं हैं, एक ये और दूसरा पूरा जिला कवर हो रहा है। तो कार्य की प्रगति काफी अच्छी चल रही है, देख रहे हैं। अभी हम और निरीक्षण करेंगे और मुझे लगता है समय से यहाँ पानी दे देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।